तो मैंने अपना लैपटॉप मंगवाया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी था फ्लिपकार्ट की तरफ से, आइडिया पैड। तो यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट होता है कि भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी में क्या होना चाहिए, ओटीपी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मेरे को पहले फ्लिपकार्ट की तरफ कॉल आ गई थी कि आप अपना रोड पैड के पास रिसीव कर सकते हो, क्योंकि टम्पू में आते जो ना अंदर आना थोड़ा इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था। मैं रोड पर जाकर पार्सल लेता हूँ, मैं अपनी चाबी देता हूँ, क्योंकि ओपन करने के लिए कोई साइन ही चीज़ ओपन करेंगे, जैसे बॉक्स ओपन करते हैं फोटो लेनी होती है इस चीज़ की। उसके बाद ये पूरा आपको खोल के दिखाएंगे कि कोई डैमेज कोई स्क्रैच है कुछ है तो नहीं, अगर कुछ डैमेज वगैरह निकलता है तो ये आपको प्रोडक्ट नहीं देंगे, और जो आपने पेमेंट करी होगी 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और OTP आपको जब देना है जब पूरा आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है आप ले लेता हूँ। बट ये आपसे उससे पहले सिर्फ एक चीज़ मांगेंगे, वो आपके फ़ोन के लास्ट के 4 डिजिट नंबर एक वेरीफाई करने के लिए आपको अपना नंबर दे देना है, फोन के लास्ट के 4 डिजिट, और आपको पूरा चेक करवाएंगे लैपटॉप पर कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपको ना OTP देना है, पहले OTP आपको नहीं देना है, ठीक है। और आपको पूरा डाउट हो या आपको कुछ हल्के से भी दिक्कत हो तो आप इन्हें मना कर सकते हो, ये आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं भाई लेके जाओ। अगर आपको डाउट है कि हाँ यार थोड़ा स्क्रैच है कुछ भी है तो वहीं से वहीं आप मना कर सकते हो। जो पैसे आएंगे 48 आवर्स के अंदर जहाँ जैसे भी आपने करवाएगा, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आपको देने की जरूरत है नहीं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से करोगे क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे, और अगर UPI से करोगे तो UPI में आपके पैसे आ जाएंगे। जैसे ये रहा, और जैसे ये लेते हैं तो इन्हें फोटो लेके भेजनी होती है कंपनी में कि हाँ भाई प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। अगर कोई डैमेज होता है तो उनकी भी इन्हें दिखानी पड़ती है फोटो की, सर डैमेज है इस वजह से कस्टमर ने नहीं लिया। तो आप लोगों का चाहता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो गए भाई, यही नॉर्मल डाउट होते हैं। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। जान में मैंने लैपटॉप मंगवाया था, ओपन बॉक्स डिलीवरी हुई है, मैं उसकी वीडियो भी दिखा दूंगा और आपको डाउट बता दूंगा कि सबको डाउट होता है ना ओपन बॉक्स डिलीवरी में कि हमें OTP देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सब पता लग जाएगा आपको इस वीडियो में। तो ये मेरा लिनोवो का लैपटॉप जो मैंने बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं चार्जर की। तो ये हमारा चार्जर, जो हमारा चार्जर है, ये जो हमारा चार्जर होने वाला है भाई, कितने वाट का चार्जर है ये थोड़ा खोलना पड़ेगा। तो ये 65 वोल्ट का चार्जर होने वाला है इसका, और ये है हमारा लैपटॉप। तो इसको करते हैं फटाफट अनबॉक्स। तो ये रहा हमारा लैपटॉप लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 3। तो इसको हम खोलते हैं, चलो। और ये रहा हमारा, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आते हैं, ये थोड़ा इसको करते हैं हम ऑन। तो यार हमारा लैपटॉप भाई ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि चार्जिंग थी नहीं इसमें बिल्कुल भी, और मैं देख रहा हूँ ऑन क्यों नहीं हो रहा बार बार। अब जाके ऑन हुआ है चार्जिंग लगाने के बाद। भाई लैपटॉप को चार्ज कर देते करो कम से कम, मैंने पता नहीं क्या डिफेक्टिव माल तो नहीं निकाल दिया इन्होंने अबकी बार। तो ये ऑन हो रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं इतने तो हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है स्लाइडर के साथ, ये यार आपका कैमरा, यहाँ पर आप स्लाइड कर सकते हो। और अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करते हैं तो 14 इंच की आपकी स्क्रीन होने वाली है। छोटा लैपटॉप है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और अगर वेट की बात करें तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है नॉर्मल यूज़ के लिए। जैसे मेरा गेमिंग वाला था पिछला, वो थोड़ा ज़्यादा हैवी था, बट इसकी सबसे दिक्कत है ये देखो, ये खुलता नहीं है, दो हाथ से खोलना पड़ेगा, ये मुझे सबसे गंदा लगता है इस चीज़ में। तो अब ये हो रहा है बूट, तो उससे पहले देखते हैं हम क्या होने वाला है। ये हमारा एक छोटा सा मिल जाता है माउस पैड, ये रहा हमारा। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं एक बार सेटअप। कितने की हो रहे थे हम इसके पढ़ लेते हैं। लिनोवो का है, CPU आपको मिलता है इंटेल 5, रैम की अगर बात करते हैं तो 16 GB होने वाली, स्टोरेज की बात करते हैं 512 हमारी SSD होने वाली है, GPU हमारी इंटीग्रेटेड मिलता है, जो हमारी डिस्प्ले है वो हमारी 14 की होने वाली है, 35.56 cm FHD। अगर बैटरी की बात करते हैं तो 3 सेल के साथ आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं विंडोज़ की तो विंडोज़ 11 मिलने वाला है होम। तो ये सारा था इसके बारे में, और तो कुछ इसमें है नहीं बॉक्स में। चार्जर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इतने भाई हम इसे चला रहे थे, तो यहाँ पे देखो यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ चुका है भाई, यहाँ अपडेट हो रहा है विंडोज़ 11 में, कोई नए नए इनके फीचर्स वगैरह है तो है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे भाई ये लगी है कि इस लैपटॉप को भाई मैं पूरा यहाँ तक ले जा सकता हूँ, 180 से थोड़ा सा देखोगे ना भाई हल्का सा गैप है बस, बाकी तो भाई पूरा जा रहा है, और इसे ये यहाँ तक बस। मुझे सबसे गंदी इसमें ये चीज़ लगती है, मान लो यहाँ से मैं इसे ऊपर करूँगा ना तो भाई पूरा उड़ जाएगा, ये चीज़ बेकार है, ठीक है। अगर हम इसकी बाकी चीज़ की बात करते हैं तो देखो ये रहा इसका यहाँ पे कैमरा, इसका हम हटा देते हैं एक बार, ये हमने हटा दिया। ये रहा इसका कैमरा, ये रहा यहाँ पे इसका प्राइवेसी के लिए,
है। अगर हम इसकी बात करते हैं, इंटेल i5 के साथ आता है, और जो मुझे सबसे अच्छी इसकी चीज़ लगती है इन लैपटॉप की, वो होता है भाई देखो, स्पीकर देख रहे हो, फ्रंट की साइड है आपके, तो जो आवाज़ आएगी ना भाई, वो मज़े आने वाले उस आवाज़ में। अभी ऐसे अपडेट हो जाएगा, मैं उसके बाद आपको इसकी आवाज़ चेक करवाऊंगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। चार्जर मैंने आपको बता दिया 65 वॉट के साथ आता है भाई। इन्होंने को सही में डरा दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मैंने कहा यार लैपटॉप कोई डिफेक्टिव पीस वगैरह तो नहीं आ गया, बट नहीं भाई, सालों ने चार्ज करके नहीं दिया था, बेकार है। यार हमारा IdeaPad 3 स्लिम के साथ आता है, फास्टिंग चार्जिंग है इसके में, फास्ट चार्ज होएगा आपका। सिक्योरिटी दे रखी है आपके कैमरे में, और फ्रंट की तरफ आपके स्पीकर्स दे रखे हैं, Intel 5 के साथ आता है। तो इतना ही अपडेट हो जाता है, वेट करते हैं, और हम कर भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई एक नहीं तीन तीन है, और अभी से 45 हुआ है, तो इसको कम से कम होने में भाई 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, तो हम करते हैं वेट। तो फाइनली पूरा भाई लैपटॉप सेटअप हो चुका है, तो इसमें थोड़ा सा वेट कह रहे हैं रुकने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करते हैं अब हम। तो ये रहा हमारा IdeaPad। तो अभी सबसे पहले हम जाके इसकी आवाज़ चेक करेंगे, जो सबसे पहले मुझे इसकी आवाज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले तो इसमें क्रोम तो होएगा नहीं, तो इसमें जाएंगे हम। तो यहाँ से करते हैं हम कंफर्म, अभी विदाउट उसके डार्क मोड। और अब जाएंगे हम सबसे पहले यूट्यूब पे, और यहाँ लिखते हैं हम नॉन कॉपीराइट सॉन्ग। तो ये रहा इसकी वॉल्यूम फुल है, और यहाँ से भी हमने कर दिया इसकी फुल। तो ये रहे इसके स्पीकर फ्रंट साइड, तो इन दोनों से आवाई। और अगर आवाज़ देखें तो भाई आवाज़ सही है, डिसेंट आवाज़, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है ज़्यादा बुरी है। अब इसके हम कैमरे की बात करते हैं, तो कैमरा यहाँ से कर देते हैं ऑन। तो ये है इसका हमारा भाई फ्रंट कैमरा, कैमरा तो अच्छा है यार, जिस प्राइस रेंज में आता है उससे तो ज़्यादा ही अच्छा दे रखा है भाई कैमरा। कैमरे में तो बाहर बात है, चाहे कुछ भी बोलो, कैमरे में तो भाई मेरा भी दिल आ गया है। वीडियो क्वालिटी में देखते हैं तो वीडियो भी अच्छी है। अगर आप मीटिंग्स वगैरह लेने के लिए चाहो, एक हम ले लेते हैं फ़ोटो, और ये रही फोटोज़। ऐसे हम थोड़ा सा जूम करें तो भाई फ़ोटोज़ में तो भाई बात है। ओवरऑल भाई मैं लैपटॉप की बात करूँ तो भाई लैपटॉप अच्छा है, लाइट भी है। अगर साइड से देखोगे HDMI केबल के लिए है, लैन के लिए आपको इसमें भाई स्पेस है नहीं लैन के लिए, ऑक्स केबल आपकी यहाँ लग जाएगी, ऑक्स केबल के लिए रहा, सी टाइप ये रहा HDMI केबल, USB, और ये रहा आपका चार्जिंग के लिए। अगर साइड में बात करते हैं तो साइड में भी है, और नीचे की अगर बात करें तो भाई नीचे भी अच्छा है यार, रबड़ वगैरह सेफ्टी वगैरह के साथ है। ये अगर ज़्यादा भाई हिले विले ना, नॉर्मल यूज़ के लिए अगर मैं बताऊँ तो भाई सबसे अच्छा, मुझे सबसे दिक्कत लगती है यार सिंगल हैंड नहीं ओपन होता। अगर ये सिंगल हैंड होता है ना भाई, मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट लगे मेरे को भाई ये वाला। और इसकी अगर मैं आपकी बात कर लेता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो अगर यहाँ जाते हैं ये रहा, इसमें बात करते हैं अगर हम CPU की, तो देखो 12th Gen पे आता है i5। मेमोरी की अगर बात करते हैं तो 16 GB की इसकी रैम होने वाली है। SSD की बात करते हैं तो 512 होने वाली है, वाईफाई है, GPU आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है इंटेल का। तो गेमिंग वगैरह तो भाई, तो नॉर्मल वगैरह छोटी मोटी आप गेम खेल सकते हो, ये इसका भाई पूरा का पूरा। तो आप बताओ आपको कैसा लगा है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।